नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज के वीडियो में हम आपके लिए जो बातें बताने वाले हैं, दोस्तों आप इन्हें बिल्कुल ही मिस ना कीजिएगा। ये हमारा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों ऐसा वीडियो बहुत ही कम बनते हैं। जी दोस्तों, जो कि आपके जीवन काल के असलियत को बता दे, जो कि आपके जीवन काल के ऐसी सच्चाई को बता दे जिन्हें सुनकर आपको शांति तो मिलेगी, साथ ही जीवन काल की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। जी दोस्तों, कुछ ऐसे ही विशेष बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं जिन्हें सुन लेंगे, जिन्हें अगर आप समझ लेंगे तो दोस्तों खुशी तो आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा होगा, साथ ही ज्ञान आपको ऐसा प्राप्त होगा कि आप भी कहेंगे कि जीवन ही हमारा धन्य हो गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति होगी, जो ईश्वर का आशीर्वाद होगा वह क्या क्या दर्शाएंगे, आपको कौन से लाभ मिलेंगे, घर के माहौल में, पारिजन में, आपके स्वास्थ्य करियर में कौन कौन से सुधार होंगे, साथ ही कौन सी विशेष सावधानियां आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर आपको रखनी चाहिए, सभी बातें बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित किया गया है। तो दोस्तों इन्हें अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और माँ के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन काल की समस्याएं आपकी खत्म होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके जीवन के सबसे बड़े ज्ञान से। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप कहते हैं कि आनंद रहने का राज क्या है, आनंद से जो लोग रहते हैं आखिर उनका राज क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ज्ञान है। दोस्तों यह ज्ञान आपके अंदर आनंद रहने का राज बता देगा। तो दोस्तों बहुत ही कान लगाकर इस बातों को सुने। जी हाँ दोस्तों, यह बात है एक गाँव की। एक गाँव में महान ऋषि रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया। उसने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। ऋषि ने उनसे कहा, तुम मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चले। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह पत्थर उठाकर ऋषि के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, किंतु वह चुपचाप चलता रहा। जब दर्द सहा नहीं गया तो उसने ऋषि को बताया, तो ऋषि ने पत्थर को नीचे रखने को कहा। पत्थर को रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। ऋषि ने कहा, यही है प्रसन्न रहने का राज। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, मैं समझ नहीं पाया। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा कष्ट होता है, अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों का बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम दुखों के इस बोझ को 1 मिनट तक अपने पास रखें या फिर जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी इस पत्थर को शीघ्र ही नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों ऋषि के साथ बात करते हैं कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई समयों से, पिछले कई सालों से आपके साथ ऐसा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत ज्यादा अपने थे, यानी कि दोस्तों आप जिनके बहुत ज्यादा करीब थे, जो आपके करीब लोग थे, वही आज के जमाने में आपके जान के दुश्मन बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था, और दोस्तों यही लोग
आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो दोस्तों इनके अंदर जलन महसूस होने लगती है। दोस्तों किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके भी जीवन काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि दोस्तों अब आपको अपने जीवन काल में संभलना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं। यानी कि दोस्तों किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है, किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना, क्योंकि दोस्तों चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता। लोग आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई का नकाब पहनकर आपसे मीठी मीठी दो चार बातें कर लेते हैं, और जब आपसे काम निकल जाता है तो दोस्तों वे आपको लात मार देते हैं। दोस्तों कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ क्या दोस्तों ये आपके जुनकाल में फिलहाल नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आपके साथ तरह तरह की बातें करेंगे, लोग आपको तरह तरह की सलाह भी देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वही जिनमें आपका हृदय, जिनमें आपका दिलो दिमाग सपोर्ट कर रहा हो। यानी कि दोस्तों सोच समझ कर ही आप खुद से अब निर्णय लें। जी हाँ दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ज्यादा गलतियां कर दी है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपने जीवन काल में यह गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भी फैसला लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दें, क्यों दोस्तों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है। अगर आपको विश्वास करना ही है तो दोस्तों अपने मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें, और दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे, तो दोस्तों आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। दोस्तों किसी ने सही कहा है कि जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं। जहाँ पर सवाल भी आपका होगा और जवाब भी आपके ही होंगे। इसके साथ ही दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा कीजिए, खुद पर थोड़ी वफा कीजिए, और जो आपको दर्द दे उसे दफा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें, ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं, और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम आप सभी से बस यही कहेंगे कि कभी भी दूसरों से अपेक्षा ना रखें। दोस्तों अपने आप को आगे बढ़ाएं, मेहनत करें, सच्चे दिल से परिश्रम करें दोस्तों, और ईश्वर पर जिसे आप यकीन रखते हैं इसी प्रकार दोस्तों यकीन रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर भी आप सभी के जन्मकाल में कुछ ऐसे ही परिस्थिति का निर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर आपको कौन सी विशेष सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलेंगी, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर किस प्रकार व्यतीत होने वाले हैं, आगे वीडियो बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे भी बहुत ज्यादा गहरी होंगी, इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों कुछ समय से अस्त व्यस्त हुई चीजें यश में पुनः व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी। व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवार और अपने संबंधियों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, इससे आप अपने आप को तनाव मुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। युवाओं को भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलने के योग बन रहे हैं, और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि विरोधी लोग यश में जलन की भावना से आपकी बदनामी और फिर आप पर झूठा आरोप लगाने जैसी हरकत भी कर सकता है। समस्या को दोस्तों यश में आपको गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए, यह आपकी समझदारी होगी।
और दोस्तों किसी भी प्रकार की यात्रा इसमें ना ही करें तो आपके लिए इसमें अच्छा रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि यह समय आप अधिक सकारात्मक या फिर अधिक नकारात्मक भी हो सकती है, इसलिए दोस्तों परिस्थिति को जैसा है वैसे ही देखने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को दूर रखकर प्रैक्टिकल रहने की आपको इसमें आवश्यकता होगी। करीबी व्यक्ति के खिलाफ आपको किसी व्यक्ति द्वारा भड़काया भी जा सकता है, तो दोस्तों इन व्यक्तियों पर बिल्कुल विश्वास न करें और किसी से लड़ाई झगड़े करने से इसमें आप सावधान रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि किसी भी निर्णय को लेने में दिल की अपेक्षा आपको अपने अंदर आत्मा का आवाज सुनना चाहिए। दोस्तों आपका कर्म व फिर पुरुषार्थ आपके हर काम में सफलता और उपलब्धि प्रदान करने वाला है। दोस्तों घर की गतिविधियों में भी आपका सहयोग इस समय रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों भाइयों के साथ संबंधों को मजबूत बनाकर रखें। दोस्तों यह समय बच्चों की कोई नकारात्मक गतिविधि चिंता का कारण बन सकती है, कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपके ऊपर अपयश हावी हो सकता है, जिसकी वजह से सकारात्मक हो रही घटनाओं में भी कुछ न कुछ जो है नकारात्मक बातें आप ढूंढ लेंगे। दोस्तों यह समय आपके अंदर बढ़ रहे डर की वजह से आप जो है आगे बढ़ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना यह समय आपके लिए लाभदायक रहने वाले है।